ग्वालियर न्यूज अफेयर तो पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की हेडलाइंस। मीडिया महोत्सव 2018 के अभिज्ञान पत्रों का हुआ वितरण। वीर शांति सेना संघ का मनाया गया स्थापना दिवस। अब खबरें विस्तार से। पर्यावरण को कैसे ठीक रखा जाए, अनावश्यक धरना प्रदर्शन समाज के विकास में रोड़े अटकाते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, इन विषयों पर की गई परिचर्चा। समाज के विकास में रोड़ा बनने वाले ज्वलन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पत्रकारिता से जुड़े विद्यार्थी, पत्रकार, समाज सेवी, राजनीतिक और तत्कालीन शासकीय सेवक आदि ने इन समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए और इनसे छुटकारा पाने के लिए गहन चिंतन किया। इस अवसर पर मीडिया महोत्सव 2018 में शामिल होने वाली मीडिया के लोगों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। यह आयोजन भाजपा नेत्री नीरू सिंह ज्ञानी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इसके मुख्य अतिथि तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर जनसंपर्क सुभाष अग्रवाल ने सैटेलाइट चैनल है तो वो एंटरटेनमेंट चैनल ज्यादा बन गए हैं। उसमें अगर हम देखें तो स्टार प्लस पे जैसे कार्यक्रम आते हैं शाहरुख खान और सलमान खान, ऐसी उसमें भी वो शाहरुख खान की 10 कहानियां और ऐश्वर्या राय की 10 कहानियां ज्यादा दिखा रहे हैं। देश के अंदर ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको जिनका हल ढूंढना बहुत जरूरी है। समस्याएं तो सबको पता है कि हाँ ये समस्याएं हैं, पर इन समस्याओं का हल भी है। वो हल क्या हो सकता है, वो मीडिया का दायित्व बनता है मुझे लगता है। तो आप बताइए, आप आप क्या सोचते हो मीडिया के बारे में? व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह यूज करते हो तो उसमें न्यूज आती है, उन न्यूज को किस वे में लेते हो आप? मुझे जो भी नहीं हर न्यूज तो फेक नहीं होती है, ये हमारे फेसबुक पे आती है। अगर हम पत्रकारिता लाइन से जुड़े हैं तो हमें एक नज़र में समझ में आ जाती है कि ये न्यूज फेक है कि रियल है, या रियल में कितनी मतलब न्यूज है तो उसमें रियल कितनी है और फेक इसमें एरिया कितना जुड़ा हुआ है, ये हमें पता लग जाता है न्यूज देखने के बाद। नहीं वो तो कई बार बहुत पुरानी खबर होती है वही चलती है। मैं तो आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा, आप लोग इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अभी मैंने जीटीवी से बात की है, अभी मैं दिल्ली गया था तो एक बड़ा सीरियल मैंने बना रहा हूँ, मैंने पूरा तैयार कर लिया, उसका नाम है संजय की आवाज। मेरी आवाज नहीं है वो, पूरे भारत के लोगों की आवाज है और वो एक ऐसा मिला जुला कॉन्सेप्ट है। आप आ गई है, आप आ गई, आप संजय की आवाज के लिए उसको संजय की दृष्टि करेंगे, संजय दृष्टि टीवी लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो उसमें सर क्या है, रजत शर्मा का जो आपकी अदालत आता है जिसमें वो एक सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और पर्सन उनकी जो लाइफ कंट्रोवर्सी होती है उसके ऊपर वो उनसे क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं पर हम उनसे उनके बारे में बात नहीं कर रहे, उनकी निजी जिंदगी के ऊपर हम उनसे बात नहीं करेंगे। आंतरिक सुरक्षा को लेकर और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विभिन्न विषय रखे गए थे, उसमें महिला सुरक्षा का भी था, महिला सुरक्षा की वहाँ बात भी होगी। हाँ तो महिला सुरक्षा को खास करके जो हमारे विषय है अभी आपने आज क्या तो आज अभी विषय हमने आज क्या था कि जो सर्टिफिकेट है तो हमने अनौपचारिकता से हमने कहा बैठे और जो सोशल मीडिया में हम लोग अभी आने से पहले हम लोग आप यही डिस्कस कर रहे थे के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो और बाकी विषय सोशल मीडिया पर मतलब मैसेज वायरल होते हैं और हम लोग बिगड़ सोचे समझे उसको कहीं भी है ना उसको भेज देते हैं, मतलब उसमें जरा भी नहीं सोचते कि इस मैसेज से किसी को आहत हो सकता है, उसको दुख हो सकता है, हर्ट हो सकता है, और वो एक ही नीति पे एक ही नियम लागू करता है। लेकिन मीडिया पे बंदिश लगाना जरूरी नहीं है, पर मैं ये जरूर कहूंगा मीडिया पे बंदिश नहीं लगना चाहिए। मीडिया तो मतलब चौथा स्तंभ है हमारे देश का, उसको बंदिश नहीं लगनी चाहिए। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से कोई भी आदमी सोशल मीडिया पर न्यूज के नाम से ग्रुप बना देता है, इस चीज पे जरूर रोक लेनी चाहिए। जो मीडिया का बंदा है वही मीडिया का ग्रुप बना सकता है, हर कोई मीडिया ग्रुप नहीं बना सकता। जो दूसरे मीडिया को आप इस वाले मीडिया को आप रोकने कहोगे की जांच करके करे तब तक दूसरा सब वेरीफाई का टाइम क्या उनके पास? सोशल मीडिया पे जब तक वो वेरीफाई एक करेगा तो बाकी 5 जने जानना शुरू कर देना है, बोलना शुरू कर देना है सबसे तेज हमने पहले दी है आपको न्यूज। सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक लोग मीडिया बताओ ये
अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, सुनिए आप आराम से, और ये स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में बहुत सोच समझ के दिया गया। आप जिस देश से हमारी तुलना कर रहे हैं वो प्रजातांत्रिक, कच्चा प्रजातांत्रिक, वो एक केंद्रित कंट्री है, वहाँ स्टेट गवर्न्स, समझे ना, और कैपिटलिस्ट कंट्री में कैपिटल गवर्न्स। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ आम आदमी को गवर्न करना है, ऐसा सोचा जाता, जबकि वो व्यवहारिक रूप से हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि आपका जो नुमाइंदा, एक सांसद आप चुनते हो, वो सांसद आपका वास्तविक प्रतिनिधि हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो विचार हर व्यक्ति के अपने मन में है वो उसके मन में कैसे आए, वो आ ही नहीं सकता, व्यवहारिक नहीं है। पर हमें गवर्नेंस के लिए कोई रास्ता निकालना, हम धीरे धीरे राजाशाही, कबीले, कबीलों से उठते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। क्रमिक विकास ही, जैसे हमारा क्रमिक विकास हुआ, हम जानवर थे, जानवर से आदमी बने, आदमी से अच्छे आदमी बन रहे, सिविलाइज बन रहे। अभी भी हम अपनी सोसाइटी से अपराध को कम नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। जब तक हम अपने समाज को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हम समाज से कैसे अपेक्षा करें। अगर एक जर्नलिस्ट इस विषय को जानता ही नहीं, जिस विषय को लिख रहा और बोल रहा, तो कैसे उसके साथ न्याय करें। और जो सिटीजन जर्नलिस्ट है, जिसको नागरिक पत्रकारिता कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा मतलब कहना चाहिए रास्ता सोशल मीडिया ने खोल दिया। आप ये सोचिए, मीडिया मैनेजमेंट से बहुत कुछ रोका जा सकता है और रोका जाता रहा है। सोशल मीडिया उनकी भी मदद कर देता है जिसका कोई मददगार नहीं है। बिल्कुल सही, आप उसको बदले नहीं चाहते। अपना नजरिया बहुत साफ रखिए। हम जो करें एज ए जर्नलिस्ट, हम उसके प्रति उत्तरदायी हैं। हम जो लिखे तो हम उसके प्रति उत्तरदायी हैं। हम जानते हैं, और हमारे ज्ञान की भी सीमा है, हमारा ज्ञान भी असीम नहीं है। अगर हम किसी विषय पर लिख रहे हैं तो हमारी सीमा, हम अपनी सीमा में ही उसको लिख सकते हैं। हमारे शब्दों की भी सीमा, भाषा की भी सीमा है। मैं तो थमाने के लिए नहीं सर, आपसे मिलने आऊंगा अलग से, क्योंकि है ना जो आप चला रहे हैं ना। एक मिनट सर। ज्यादा समय से आपसी भाईचारा बढ़ाने, पर्यावरण और गरीबों बुजुर्गों के हित में कार्य करने वाली संस्था वीर शांति सेना संघ का स्थापना दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह के दौरान शहर के उन समाज सेवियों, पत्रकारों, युवाओं को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया जिनके द्वारा समाज हित में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के संयोजक बलबीर भारती ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीरू सिंह ज्ञानी थी और कार्यक्रम का संचालन संजय भारद्वाज ने किया। कोई भी वर्ग का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का हो,
वो अपना ही खून दौड़ता है। जब हम कोई लहू लुहान हो जाता है सड़कों पे, और आज जैसे लैब है, वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम खून लेने जाते हैं हम क्या मांगते हैं, क्या जाति विशेष का खून मांगते हैं? हम सिर्फ ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव कि हमारे पास खून दे दो और जान बच जाए। सबसे पहले हमें मानव धर्म जैसा कि बताया इन्होंने, और सबसे पहले मन की शांति के बारे में सब लोगों ने बताया। तो ये मन की शांति जैसे वैसे ने बताया कि परिवार में सबसे पहले शांति हो, उसके बाद आप समाज में आते हैं, क्योंकि अगर परिवार में आपकी शांति होगी तभी आप समाज की शांति के लिए कार्य कर सकते हैं। और समाज में जब आप निकलते हो तो समाज में निकल कर आपका एक उत्तरदायित्व बन जाता है, क्योंकि आपके मन में, अगर आपका मन स्वच्छ है, आपके मन में चाहे आप कलाकार हैं, चाहे आप पत्रकार हैं, संवेदनाएं अगर आपके बीच नहीं है तो आप समाज के मामले नहीं आ सकते। तो हमारे बीच हम इंसान में बैठे हैं और आज हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और शांति को विश्व भर में, जब मैं लायंस क्लब में फिर मैं उसके माध्यम से क्लब मैंने ज्वाइन किया, उसमें भी विश्व शांति के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, चाहे वो रोटरी क्लब होता है, चाहे अलग विभिन्न संस्थाएं होती हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके देश में, विश्व में कोई झगड़ा ना हो। जैसे हमारे अभी कैमरामैन जो थे एनडीटीवी के, जो हम बोल रहे हैं, उन्होंने बताया कि नुकसान किसका होता है, हमारा हुआ, हमारे देश का नुकसान हुआ। किसका हुआ? चाहे वो हम ट्रैफिक जाम हमने कर दिया, एम्बुलेंस में कोई फंस गया, तो किसका नुकसान हुआ? वो इंसानों की जाने चली गई। तो क्या हम चले, क्या हम ये बर्दाश्त कर सकते? बाद में धीरे धीरे जब मुझे लगा कि समाज सेवा में एक पर्याप्त जीवन कि मुझे एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जहाँ पर मैं समाज सेवा कर पाऊँ, जब मैंने युवा मोर्चा ज्वाइन किया, इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।